आज हम पढ़ते हैं इंडिया का पॉलिटिकल मैप। क्यों हमें मैप कवर करना है पहले वो समझ जाते हैं। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम में एटलीस्ट 14 मार्क्स का, 40 में से ज्योग्राफी में 14 मार्क्स का हमें मैप और ग्राफ एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इसीलिए हमें मैप और ग्राफ सही से आना चाहिए। कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 के मैप से। तो हम पहले देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर क्वेश्चंस को देखो, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं होता है, पर मैं क्वेश्चंस दिखा दूं। देखो, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि बताओ सिक्किम कहाँ पे है, ठीक है, पूछेगा बताओ सिक्किम कहाँ पे, फिर पूछता है कि लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है। ये भी सारी चीज़ पूछा है, पर ना चैप्टर नंबर 2 से नहीं आए हैं। मैं खाली बता रहा हूँ चैप्टर 2 से कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैप से। तो सिक्किम पूछा है, लक्षद्वीप आइलैंड पूछा है, और क्या आ चुका है देखो, अभी 2023 जस्ट पिछले साल कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर पिछले साल देखो तो पूछा था कि दमन कहाँ पे है वो बताना था हमें, ठीक है, उसके साथ साथ एक और पूछा था कि कन्याकुमारी कहाँ पे है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम पूछती रहती है, इसलिए हमें मैप आना चाहिए। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपने मैप से, और सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के मैप से। देखो, हमारे पास टोटल 28 स्टेट है। कितने स्टेट हैं? 28, और कितने यूटीज़ हैं? 8 यूनियन टेरिटरी है। देखो, स्टेट्स का मतलब तो होता है जहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर होता है और वो उस स्टेट को चला रहा है। यूनियन टेरिटरी मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पे सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। सीधा कौन रूल कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि अगर महाराष्ट्र स्टेट को देखो तो महाराष्ट्र स्टेट में अभी एक चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने रूल कर रहे हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरी में ऐसे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होते, सीधा कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि दिल्ली, अगर दिल्ली को देखो तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, बिल्कुल है, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा पावर किसके पास रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन टेरिटरी याद रखना, वहाँ पे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो हमारे पास टोटल कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट, और कितने यूटी हैं हमारे पास? 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब हम 28 स्टेट्स और उनके प्रॉपर लोकेशन और 8 यूटी को हम याद करते हैं। तो पहले हम स्टेट्स को देखते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो मैप यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना, इसमें देखो ये जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया दिया हुआ है, ये अब चेंज हो चुका है, थोड़ा पुराना मैप है। मैं अभी रिसेंट वाला दिखा दूँ कि अभी का मैप कैसा दिखता है। तो देखो एक बार, सिर्फ 2 मिनट ये देख लो, यहाँ पे देखो, ये थोड़ा ये मैप क्लियर नहीं इसलिए मैं इससे नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो अब कैसा हो चुका है, ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। वो वाला मैप में हमने देखा था पूरा जम्मू कश्मीर था, पर अब कैसा हो चुका है, ये एरिया है जम्मू कश्मीर और ये एरिया है लद्दाख, और ये दोनों यूनियन टेरिटरी में आते हैं। तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम कर लेते हैं सारे स्टेट्स। मैंने तो ये मैप में पहले बता दिया कि कुछ लोगों को रहेगा कि सर आपने गलत मैप ले लिया है, पुराना मैप ले लिया है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं स्टेट से। मैं एक लाइन अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ ताकि कन्फ्यूजन हो ही ना, तो देखो ऐसे हो चुका है डिवीज़न, एग्जैक्टली ये नहीं पर अभी के लिए बना रहा हूँ, और ये हो चुका है लद्दाख और ये हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर, और दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी। पहले हम 28 स्टेट्स को देख लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ पे हिमाचल, फिर है पंजाब, फिर है उत्तराखंड, और यहाँ पे हरियाणा। हम आराम से पढ़ेंगे और याद करेंगे। याद क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन सब पूछ देगा कि बताओ हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है, पंजाब कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है, और हरियाणा कहाँ है। तो ये तो यूटी में करेंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये कहाँ पे कर लेंगे हम? यूनियन टेरिटरी में, क्योंकि यूटी है हमारा। हम पहले स्टेट्स करते हैं, ये है हिमाचल, ये है पंजाब, ये है उत्तराखंड, ये है हरियाणा। हाँ, एक और चीज़ जो बहुत बच्चों का अभी भी क्लियर नहीं होगा, ये है हमारा नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा साउथ, और ये हमारा वेस्ट, ठीक है। तो अगर तुम पूरे इंडिया को देखो तो ये वाला ऊपर वाला पूरा हिस्सा ये किस में आ रहा है? नॉर्थ में। ये नीचे किस में आता है? साउथ में। ये किस में आता है? ईस्ट में। ये किस में आता है? वेस्ट में। और ये आता है नॉर्थ ईस्ट में। देखो, नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच का इलाका होता है ना, इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट। तो अगर कोई पूछे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, तो वो ये होते हैं जो हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। अब एक एक करके पढ़ते हैं।
सबसे पहले कुछ स्टेट्स को देखते हैं, जैसे कि कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा। चार स्टेट क्लियर हो गए, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा। लोकेशन भी याद रखना है, ठीक है। तो अगर हिमाचल से तुम इस तरफ जाओ लेफ्ट की तरफ तो क्या आएगा, पंजाब, और अगर तुम इसके राइट के साइड आओ तो क्या आ जाएगा, उत्तराखंड, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, हरियाणा, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, नॉर्थ देख लिए, अब एक बार साउथ देखते हैं। साउथ में देखो याद कैसे करना है, यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये हो गए साउथ के पांच स्टेट्स। तो नॉर्थ का हमने चार देखा था। अगर मैं इन्हीं को देखो कैसे याद करेंगे, धीरे धीरे ट्रिक्स के बारे में पीछे मत पढ़ना ज़्यादा, ऐसे ही नॉर्मल याद करने की कोशिश करो। मैं इस मैप को अगर ठीक कर दूं तो यहाँ पर तो दो यूटी था, ये था लद्दाख और ये था जम्मू एंड कश्मीर, जो हम बाद में करेंगे। उसके अलावा देखते हैं ये कौन सा हमने पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश, ये कौन सा हो गया, पंजाब, है ना, ये कौन सा हो गया, उत्तराखंड, और ये कौन सा हो गया, हरियाणा। जस्ट अभी देख के आए और जस्ट उन्होंने क्या किया, उसको याद कर लिया। तो ऐसे ही याद रखना, ऐसे एक मैप दे देंगे और बताएंगे कि हरियाणा कहाँ है बताओ, या फिर पूछ लेंगे अलग अलग स्टेट्स कोई भी पूछेंगे। अगर पूछता है हिमाचल तो हमें याद रखना है ये रहा हमारा हिमाचल, अगर पूछ लिया पंजाब, अगर पूछ लिया उत्तराखंड, और अगर वो पूछता है हरियाणा, समझ गए ये चारों, ठीक है। अब साउथ इंडिया में देखते हैं, साउथ इंडिया में ये वाला इलाका कौन सा है, केरला, अभी जस्ट पढ़े, ये कौन सा है, तमिलनाडु, ये कौन सा है, कर्नाटका, ठीक है, ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश, और एक और थोड़ा मैप पुराना है, कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, तेलंगाना, ठीक है। देखो ऐसा आएगा आंध्र प्रदेश, और ये बचा हुआ इलाका कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना। इस मैप में और क्लियरली जो हम पढ़ चुके हैं देख लो, ताकि स्टेट्स याद करो कहाँ पे कौन सा। ये देखो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे स्टेट्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं इंडिया के वेस्ट के पार्ट में थोड़ा सा, यहाँ पे देखो राजस्थान, देखो दिल्ली में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ अभी, या चंडीगढ़ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब यूनियन टेरिटरी में है, तो वो यूटी में करेंगे। स्टेट्स में देखते हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, लाइन में ये कौन से किए हमने, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, क्लियर। कौन से किए देखो, हिमाचल, फिर पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा। हरियाणा के नीचे आओगे तो राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद गोवा। और साउथ का तो हमने कवर कर ही लिया था, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसको ना ऐसे याद करो कि हम मान लो इंडिया में घूमने को निकले, तो हम अगर घूम रहे हैं तो अगर हम हिमाचल से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो कौन सा आएगा, पंजाब, राइट की तरफ आ गए तो उत्तराखंड, और नीचे आ गए तो हरियाणा। अब हरियाणा से नीचे आ गए तो राजस्थान घूम लिए, राजस्थान से नीचे आ गए तो गुजरात, गुजरात से नीचे आ गए तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे आए तो गोवा, गोवा से नीचे कर्नाटका, कर्नाटका से नीचे केरला। देखो बहुत सारे ट्रिक्स हैं और हम भी ट्रिक बना सकते हैं, पर मेरे हिसाब से हमारा देश है, हमारे देश के बारे में पढ़ना, स्टेट्स को जानना, इसके लिए ट्रिक्स क्यों करना यार, तीन चार बार उसको देखो, समझो, मैप को अपने दिमाग में ही रख लो, है ना। और कभी मौका मिले तो घूमना भी बिल्कुल मज़ा आएगा। तो एक बार हम ट्रिप कर लेते हैं अपना, हमने ट्रिप कहाँ से शुरू की थी, हिमाचल प्रदेश से, फिर हम कहाँ जा सकते हैं, लेफ्ट में आ गए तो पंजाब, राइट में आ गए तो उत्तराखंड, और नीचे आ गए तो हरियाणा। तो पहले नीचे आ जाते हैं ना, हम लेफ्ट जाएंगे ना हम राइट, हम कहाँ आ गए, नीचे, हिमाचल के ठीक नीचे हरियाणा, हरियाणा के ठीक नीचे राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटक के बाद केरला। अब हम केरला में आ गए, केरला से फिर शुरू करते हैं, इस तरफ आते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर तेलंगाना। तो इतना तो हमने घूम लिया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया में दो स्टेट देखते हैं, तो सेंट्रल इंडिया में दो स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कौन सा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखो अपन वहीं से घूमेंगे बार बार, हिमाचल से, हिमाचल से एक रूट हमने कौन सा लिया, सीधा नीचे आ गए,
तो हिमाचल से या फिर पंजाब से नीचे आ जाओ या हिमाचल से, मान लो हम पंजाब से आते, तो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर यहाँ से ऊपर आएंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद में हम अगर महाराष्ट्र हैं तो महाराष्ट्र से एमपी और छत्तीसगढ़ तो सेंट्रल इंडिया में, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मान लो हम क्या करते हैं, हिमाचल से हम आ जाते हैं उत्तराखंड में, हिमाचल से कहाँ आ गए, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से घूमते हैं तो फिर आ जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, याद रखना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ट्रिक्स विक्स की पूछे मत ही भागना, ऐसे ही देखते रहो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के नीचे क्या होता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के नीचे उड़ीसा, याद है, क्लियर है। अब वापस रिवाइज करेंगे ऊपर जाके बिना मैप बिना इसमें देखे, तो इसे देखते चलो, हिमाचल के बाजू में हमने देखा था राइट में, राइट की तरफ नीचे हो गए तो उत्तराखंड, उत्तराखंड से नीचे हो गए तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आगे गए बिहार, बिहार के आगे गए झारखंड, झारखंड के आगे गए तो वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के नीचे उड़ीसा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं ये स्टेट्स को देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं सबको, ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छे सबसे ईजी स्टेट से याद करना। अल्फ़ाबेट्स ए से शुरू होता है, तो ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पहले इसको याद करते हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश ए से शुरू होता है तो अरुणाचल प्रदेश, फिर ये एक ट्रिक बता देता हूँ हल्का सा कि बहुत कन्फ्यूजन ना हो जाए, हालांकि ट्रिक्स ना ही यूज़ करना बेटर होता है, पर स्टिल, ये अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, फिर है मणिपुर। देखो नाक के पास हमेशा क्या होता है, मणि, तो ऐसे याद कर सकते हो कि भाई नागालैंड, फिर कौन सा आएगा, मणिपुर, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और फिर ये है मिजोरम, तो रम भुलाए गम से याद कर सकते हो कि ठीक है भाई लास्ट में आ गए तो मिजोरम, तो अरुणाचल प्रदेश नाक के पास मणि, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम से अंदर आओगे तो त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, देखो ए से शुरू हो रहा है और ए पे ख़त्म हो रहा है, सेवन सिस्टर्स कहते हैं इसे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, ठीक है। और इसमें एक और जो स्टेट जो बोर्ड एग्जाम पूछ चुकी है यहाँ पे देखो है, और यह है सिक्किम, ये कौन सा है, सिक्किम, एक और बार याद कर लो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम, और यहाँ पे कौन सा स्टेट है, वो है सिक्किम। एक और बार घूम लेते हैं, बहुत बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा, और फिर हम जाएंगे खाली मैप पे और वहाँ पे जाके पढ़ने की याद करने की कोशिश करेंगे। देखो हमने अपना ट्रिप शुरू करते हैं मान लो हिमाचल से, हिमाचल से अगर लेफ्ट की तरफ नीचे आएंगे तो पंजाब आते हैं, फिर हरियाणा घूमते हैं, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर याद करो, फिर है गोवा, फिर आएंगे कर्नाटका, फिर आएंगे केरला, केरला से अगर यहाँ पे आ गए तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर उसके ऊपर आया छत्तीसगढ़, और बीच में आ गए हम कहाँ पे, मध्य प्रदेश। अब अगर हम घूमते हैं हिमाचल से उत्तराखंड, पंजाब नहीं गए, कहाँ आ गए, उत्तराखंड, तो हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, और झारखंड से वेस्ट बंगाल। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट आ गए तो अरुणाचल प्रदेश, नाग के पास है मणि, तो नागमणि, मतलब हो गया नागालैंड और मणिपुर, फिर हो गया मिजोरम, रंबुलाएगम, और अगर यहाँ पे आ गए तो त्रिपुरा, मेघालय, और लास्ट में रहेगा हमारे पास आसाम, और यहाँ पे एक है वो है सिक्किम। समझे यहाँ तक, अभी यूटी बाकी है, खाली स्टेट्स कर रहे हैं, अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो बस सुनते चलो, कवर तो हम कर ही लेंगे आज। देखो यहाँ पे हम आपस से अब पढ़ते हैं, ये मैप की जगह मैं कोई और मैप के पास चलता हूँ, ये वाला उससे बेटर होगा जी, इसमें करते हैं ना। देखो अब यहाँ से पढ़ते हैं, इसमें इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर दिया ये येलो येलो करके, पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद हो तो ये येलो वाला पोर्शन कौन सा है, लद्दाख, और ये कौन सा है, जम्मू कश्मीर। यहाँ से शुरू करते हैं, याद करो जहाँ से हम शुरुआत करते हैं ये कौन सा स्टेट था, ये वाला, सोचो ये था हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश से तुम यहाँ पे आ गए तो पंजाब, यहाँ पे आ गए तो उत्तराखंड। अब याद करना है, अब दिमाग लगाना है, ये था हिमाचल, यहाँ आ गए तो ये कौन सा है, पंजाब, और अगर यहाँ आ गए तो ये कौन सा है, उत्तराखंड, और ये कौन सा है, ये है हरियाणा, ये कौन सा है, हरियाणा। अब बस दिमाग लगाते चलो, याद करते चलो, ये कौन सा था,
देखो मैं क्यों ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि बोल देंगे पेपर में सीधा कि बताओ हिमाचल कहाँ है, तो तुम्हें एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो ये हो गया हिमाचल, हिमाचल से लेफ्ट की तरफ नीचे आएंगे तो पंजाब, फिर नीचे आएंगे तो ये कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा के नीचे आओगे यहाँ पे तो राजस्थान, यहाँ पे नीचे आ गए तो गुजरात, गुजरात के नीचे आ गए तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में फिर थोड़ा नीचे यहाँ पे आ गए तो ये देखो ये हल्का सा ये वाला कौन सा है, गोवा, ये कौन सा है, कर्नाटका, और ये कौन सा है, केरला। क्लियर। फिर हम आ गए तो यहाँ पे ये कौन सा है, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के पास यहाँ पे हमने देखा था आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, और ये मध्य प्रदेश। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम आ गए तो यहाँ पे, यहाँ पे था हमारा क्या, हिमाचल, हिमाचल से यहाँ आए तो ये था उत्तराखंड, ये था हमारा यूपी, ये था हमारा बिहार, ये हो गया हमारा झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये क्या हो गया हमारा झारखंड, ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, और ये हो गया हमारा उड़ीसा। अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को देख लेते हैं, ये कौन सा था, ए से अल्फ़ाबेट शुरू होता है तो ये है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागमणि नागालैंड और मणिपुर, फिर ये कौन सा था याद करो, कौन सा था, रामभुलाईगम मिजोरम, फिर ये क्या है, त्रिपुरा, ये क्या है, मेघालय, ये क्या है, आसाम, और ये हो गया हमारे पास सिक्किम। तो ये हमारे क्या हो गए, इंडिया के स्टेट्स। अब याद आया या नहीं, ध्यान से तुम्हें खाली क्या करना है, मैप को देखना है, बहुत रटने की कोशिश नहीं करना, ये हो जाता है याद। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, मैं भी यूट्यूब पे अभी देख ही रहा था तो काफ़ी सारे सब ने ट्रिक्स बता के रखे हैं कि ऐसे याद कर लो वैसे कर लो, पर मेरे हिसाब से 3-4 बार मैप को देखते रहो, वो याद हो ही जाएगा। ट्रिप कर लेते हैं ना खाली, घूमते हैं कि हिमाचल से हम घूमना शुरू किए, लेफ्ट साइड नीचे आ गए तो पंजाब, पंजाब से नीचे आओ तो हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर तुम चले जाओगे गुजरात, गुजरात से नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नीचे गए तो गोवा, गोवा से नीचे गए तो कर्नाटका, कर्नाटक नीचे गए तो केरला, फिर तमिलनाडु में आ गए, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तेलंगाना से हम घूमे छत्तीसगढ़, और फिर आ गए मध्य प्रदेश, यहाँ तक हम घूम लिए। फिर हम वापस आ गए हिमाचल, फिर हिमाचल से हम उत्तराखंड, उत्तराखंड से हम आ गए उत्तर प्रदेश, फिर आ गए बिहार, फिर आ गए झारखंड और वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के नीचे उड़ीसा। नॉर्थ ईस्ट में घूम लेते हैं तो वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, और साथ साथ में यहाँ पे है सिक्किम। तो आई होप इंडिया के स्टेट्स अब तुम्हें क्लियर हो चुके होंगे। तो हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स, और साथ साथ में हमारे पास कितने यूटी हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज। तो आओ एक बार यूनियन टेरिटरी को देख लो, इंडिया में कौन से हैं। देखो इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरी है, एक है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर जो एकदम नॉर्थ में है, तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। फिर आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ कैपिटल 2 स्टेट्स का है, एक हो गया हमारा पंजाब और दूसरा हो गया हमारा हरियाणा। अभी वो दूसरा वाले मैप में भी देखेंगे, पर पहले याद करो 8 यूटी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है। फिर दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये भी हमारा क्या है, यूटी। पहले दोनों अलग अलग थे, अब एक ही हो गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक ही है, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, जगह अलग अलग है पर यूटी एक बना दिया इसको। और यही क्वेश्चन पूछा था अभी बोर्ड एग्जाम में 23 में कि दमन कहाँ है, ठीक है। और मेरा घर भी इसके पास में ही है। इसके बाद लक्षद्वीप, अभी हम देखेंगे कहाँ पे, फिर है पुडुचेरी और है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहले याद कर लो 8 यूटी, फिर देखेंगे मैप में। 8 यूटी के नाम है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब देखते हैं इसको मैप में, देखो यहाँ पे हो गया हमारा लद्दाख, ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हो गया हमारा चंडीगढ़, दिख रहा चंडीगढ़, और यहाँ पे हो गया हमारा दिल्ली। फिर यहाँ पे देखो गुजरात में, ये देखो ये है पूरा गुजरात वाला इलाका, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये है दीव, ठीक है। और ये कौन सा हो गया हमारा, दमन। यही क्वेश्चन आया था कि दमन कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे आता है दमन, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है डीएनएच, मतलब दादरा एंड नगर हवेली। तो यहाँ हो गया हमारा दीव, और यहाँ हो गया हमारा दमन और दादरा नगर हवेली, ठीक है। ये दोनों अब एक ही यूटी कंसिडर किया जाता है, हालांकि जगह अलग अलग दिख रही है, पर यूटी कौन सी कंसिडर करते हैं इसको, दोनों को एक ही। इसके बाद में हमारे पास एक और यूटी है, और वो है पुडुचेरी। देखो पुडुचेरी की एक ज़मीन तो यहाँ पर है जो कि तमिलनाडु में है, और एक और ज़मीन है वो है कराईकल,
और वो भी कहाँ पे, तमिलनाडु में। लेकिन इसके और भी ज़मीन है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में है यनम और केरला में है माही। तो ये सब भी किसके अंडर आता है, ये सब भी आता है पुडुचेरी में ही। तो पुडुचेरी की एक ज़मीन तो तुम्हें तमिलनाडु में आ गई। अगर खाली तुम्हें ये पूछे ना कि पुडुचेरी कहाँ है, तुम्हें कहाँ लिखा, कहाँ बताना है, तमिलनाडु में। लेकिन तो अगर हम यूटी देखें पुडुचेरी, सिर्फ अगर पुडुचेरी पूछ लिया तो वो कहाँ पर आएगा, तमिलनाडु। पर इसके और कुछ ज़मीन कहाँ पर है, तमिलनाडु में एक और है कराईकल, दूसरा है आंध्र प्रदेश में यनम और केरला में है माही। ठीक है, साथ साथ में और दो यूटी हमें देखना है। एक है अरेबियन सी में जो हमारा आइलैंड है, वो कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड। ये भी देखो पूछ चुका है कि लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है, तो याद रखना हो कहाँ पे है, अरेबियन सी में। और बे ऑफ बंगाल में है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार, ये भी क्या है, हमारा यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, वो यूटीज जो हमें याद रखना है, एक है अरेबियन सी में, उसका नाम है लक्षद्वीप, और जो बे ऑफ बंगाल में है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो लक्षद्वीप भी एक आइलैंड है और अंडमान निकोबार भी क्या है, आइलैंड। लेकिन याद रखना है लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है और अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है। तो आठ की आठ यूटी को एक और बार देख लेते हैं। एक हो गया हमारे पास लद्दाख, एक हो गया हमारे पास जम्मू कश्मीर, एक हो गया हमारे पास चंडीगढ़, फिर है हमारे पास दिल्ली, फिर यहाँ पे जो हमें दोनों एक ही है वो है दीव और दादरा नगर हवेली, साथ साथ में यहाँ पे है पुडुचेरी जिसे कुछ पार्ट तमिलनाडु में, और एक कराईकल, एक आंध्र प्रदेश में यनम और एक माही, और अरेबियन सी में हमको देखने को मिलता है लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। तो ये हो गए हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन इसके साथ साथ में हमें अब हम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ भी देख लेते हैं। तो उसे याद रखना है 7+2 से, 7+2 में टोटल कितने हो गए, 9। लेकिन 7+2 क्यों, देखो 7 जो है वो लैंड बाउंड्री से, मतलब जो ज़मीन से टच होते हैं, और 2 जो है वो पानी से बाउंड्री टच करते हैं। तो 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है क्योंकि वो ज़मीन से टच करते हैं, पर 7+2 और बाकी जो 2 हैं वो कहाँ से टच कर रहे हैं, वाटर बॉडीज से। टोटल कितने हो गए, 9। तो आप इसे याद कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में देखो, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, और इन दोनों के बीच की जो लाइन है इसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये है हमारा इंडिया, इसके नॉर्थ वेस्ट में 2 कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करती है, एक है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। बोर्ड एग्जाम पूछ सकती है कि इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से कौन से देश बाउंड्री हम शेयर करते हैं, एक है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। और अगर पूछ दे कि नॉर्थ में किसे शेयर करते हैं, तो वो है चाइना, नेपाल और भूटान, याद रखना। नॉर्थ वेस्ट में पूछ दे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर नॉर्थ में पूछ दे तो चाइना, नेपाल और भूटान। और अगर ईस्ट में पूछ दे तो बांग्लादेश और म्यांमार, ईस्ट में कौन सा है, बांग्लादेश और म्यांमार। तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान, और ईस्ट में अगर पूछ दे तो बांग्लादेश और म्यांमार। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री हम किससे शेयर करते हैं, सबसे ज़्यादा किलोमीटर में, तो अगर नॉर्थ वेस्ट पूछता है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अगर नॉर्थ पूछता है चाइना, नेपाल, भूटान, और अगर ईस्ट पूछता है तो बांग्लादेश और म्यांमार। देखो 7 हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सबसे ज़्यादा मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसे शेयर करता है सबसे ज़्यादा किलोमीटर में, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसे शेयर करता है अगर किलोमीटर में देखोगे तो वो है बांग्लादेश। सबसे कम में आ जाएगा अफगानिस्तान, एक बार चेक कर लेना, लेकिन ठीक है सबसे ज़्यादा तो मुझे पक्का पता है बांग्लादेश। अफगानिस्तान शायद सिर्फ 106 किलोमीटर करता है, एक बार चेक करना इसे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इनके बाउंड्रीज, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान, ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार। मैंने एक और चीज़ बोली थी कि 2 हम मेरीटाइम बाउंड्री, मतलब ज़मीन पानी से ही बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो 2 हैं, एक है श्रीलंका और एक यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा, इस मैप में नहीं है लेकिन वो श्रीलंका है, और एक कौन सा आएगा, मालदीव्स, मालदीव्स कहते हैं, तो श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, तो श्रीलंका और मालदीव्स जो है वो समुद्र से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम ने भी पूछ लिया, सुन लो अब तो ख़त्म ही होने वाला है, वो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है। तो भाई 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो लाइन देख रहे हो ना, ये इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अभी तो बोर्ड एग्जाम ने पूछा था कि ये लाइन कहाँ पे है, बताओ, तुम्हें लाइन बनानी थी उस पेपर में। लेकिन आगे चल के पूछ सकता है कि ये लाइन किस किस स्टेट से पार होता है वो बताओ। तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन से स्टेट्स पास होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखो गुजरात, फिर आता है हल्का सा, देखो ये लाइन देखना ये वाला, उसके बाद एकदम हल्का सा आता है राजस्थान। तो पहले हो गया गुजरात,
फिर आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो ये वाली लाइन को देखना है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखा है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रही वो लाइन। तो कौन से टोटल 8 स्टेट हैं याद रखना, ये पूछ सकता है कितने स्टेट है, कितने हैं 8 स्टेट है बेटा। गुजरात, हल्का सा राजस्थान, देखो एकदम कम है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट हम करते हैं उसमें त्रिपुरा और मिजोरम से क्या क्रॉस होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये 8 स्टेट वापस देख लो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आज हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा, वीडियो को एक दो बार देखोगे तो बहुत अच्छा। तो आज हमने पढ़ा कि 28 स्टेट्स कौन से हैं, उन कहाँ कहाँ उनका लोकेशन है, 28 स्टेट्स। फिर हमने किया 8 यूनियन टेरिटरी, उसके बाद में हमने किया कौन से देश से हम बाउंड्री को शेयर करते हैं, ठीक है, जिसमें हमने देखा था 7+2। और फिर हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है और कौन से स्टेट से वो क्रॉस होता है। तो इतनी चीज़ें इंडिया वाले मैप में तुम्हें याद रखना है चैप्टर टू में। देखो ब्राज़ील का भी मैप है, लेकिन ब्राज़ील के मैप में तुम इतना डिटेल अगर पढ़ोगे तो उसे याद करना तुम्हें मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं तुम्हें जब मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा ना, तब ब्राज़ील के मैप पे फिर से लेके आऊँगा, अभी नहीं कराऊँगा, वो मैं लेट वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि जब हम चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबका मैप करेंगे तो मैं ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ब्राज़ील में कौन सी जगहों को याद करना है। पूरे 26 जो स्टेट है उनको नहीं याद करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है और उनके लोकेशन जब हम पढ़ते रहेंगे वो अपने आप हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। पर इंडिया वाला क्योंकि बार बार एग्ज़ाम से पूछ भी रहा है तो हमें याद करना भी क्या है, ज़रूरी। तो आई होप तुम्हें 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी, किससे किससे हम बाउंड्री शेयर करते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से क्रॉस होता है, 8 स्टेट याद रखना, ये सब तुम्हें अब पता चल गया होगा। एक और बार अगर वीडियो देख लोगे तो ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3, इसमें हमने किया था इंडिया का पॉलिटिकल मैप, नेक्स्ट में हम करेंगे इंडिया का फिजिकल मैप।